क्या आपने नोटिस किया है कि हर जगह ट्विटर की बात चल रही है? रेडियो पे जाओ तो आरजे ट्विटर की बात कर रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पे हर एक क्रिकेट मैच के दौरान नीचे लाइव ट्वीट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर की हर एक एड कैंपेन में भी ट्विटर के जरिए प्रमोशन जारी है। हैशटैग, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, रीट्वीट्स आज भी कई लोगों को बाउंसर जाते हैं। वैसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर ट्विटर मुझे आ सकता है तो यकीनन आपको भी। हाय, मैं हूं ओमकार और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से। ट्विटर आज की तारीख में एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिससे कि आप पल भर में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिर ये चाहे किसी प्रकार की अलर्ट देनी हो या आपके रियल टाइम डेवलपमेंट्स बताने हो, जैसे कि आप कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ट्विटर सबसे आसान तरीका है। इतना ही नहीं, अगर कोई बड़ी या ब्रेकिंग न्यूज़ हो तो रेडियो या टीवी पे आने से पहले ये ट्विटर पे ब्रेक होती है, तो रियल टाइम में अपडेटेड रहने के लिए ट्विटर ये एक ज़बरदस्त माध्यम बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन के साथ। वैसे अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उस पर भी ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं TechTree.com पे लॉगिन करने से। यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चुन के साइन अप फॉर ट्विटर पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आप ज्वाइन ट्विटर टुडे के पेज पे आते हैं। इस पेज पे आप अपना नाम, आपका पासवर्ड और एक यूनिक यूजर नेम चूज कर सकते हैं जिसे हम ट्विटर हैंडल कहते हैं। जो ट्विटर हैंडल आप चुनते हैं, यदि वो पहले से कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है, दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ मैं ट्विटर हैंडल बदल देता हूँ और अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कीजिए। ये आ गया आपका वेलकम पेज, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब जैसे कि यहाँ पे सजेशन दिया गया है बिल्ड योर टाइमलाइन, तो हम शुरुआत करते हैं 5 लोगों को फॉलो करके। अब इसके बाद कुछ और लोगों को फॉलो करते हैं। ये बन गया आपका अकाउंट। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ईमेल वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन है। जो ईमेल आईडी आपने लॉगिन करते समय इस्तेमाल किया था उसके इनबॉक्स में जा करके कंफर्म योर अकाउंट नाउ पे क्लिक कीजिए ताकि आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए। आपका ट्विटर अकाउंट तैयार हो चुका है। शुरुआत करने से पहले अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। जाते हैं सेटिंग्स में और क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे। यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले पिक्चर चेंज कर सकते हैं चेंज फोटो पे क्लिक करके। एक मनचाहा हेडर डाल सकते हैं, अपना लोकेशन और वेबसाइट डाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी कोई आपके अकाउंट पे आता है तो आपका बायो आपकी पहचान बनती है। तो आप कौन है, क्या है, कोई आपको क्यों फॉलो करे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप 160 कैरेक्टर्स के अंदर बायो में लिखिए। सारे अपडेट्स होने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना ना भूलिए। अकाउंट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप डिज़ाइन पे जाके एक मनचाहा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे और कस्टमाइज कर सकते हैं और सारे चेंजेस करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना ना भूलिए। राइट हैंड साइड पे जो मैसेजेस आप देख रहे हैं उन्हें कहते हैं ट्वीट्स। ये उन लोगों के ट्वीट्स हैं जिनको आपने फॉलो किया है और इसीलिए ये आपके पेज पे दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ ये सारे ट्वीट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हें ट्विटर की लैंग्वेज में कहते हैं टाइमलाइन। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि अब तक आपने कितने ट्वीट्स किए हैं, आपने कितने लोगों को फॉलो किया है और कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली ट्वीट से। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कहना क्या है। आपका जो भी मैसेज है वो कंपोज न्यू ट्वीट इस बॉक्स में टाइप कीजिए। ध्यान रखिए कि आपका जो भी मैसेज है वो 140 कैरेक्टर्स से ज़्यादा ना हो। अगर वो 140 कैरेक्टर से ज़्यादा होता है तो यहाँ रेड कलर में एक नोटिफिकेशन आता है। आप अपना ट्वीट अकॉर्डिंगली एडिट कर लीजिए और फिर ट्वीट बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ट्वीट करते हैं तुरंत स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आपका ट्वीट डिस्प्ले होगा। अब देखते हैं अगर किसी ट्वीट को हमें रिप्लाई करना है तो वो कैसे करें। आपको जिस किसी ट्वीट पे रिप्लाई करना हो उस ट्वीट पे जाए, हर एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मैसेज टाइप कीजिए
और उसके बाद ट्वीट पे क्लिक कीजिए और ये हो गया आपका रिप्लाई। अगर आपको कोई भी ट्वीट काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी दिलचस्प लगे और आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर्स भी उस ट्वीट को देखें, तो ट्विटर में एक फंक्शनैलिटी है रीट्वीट। रीट्वीट के जरिए आप किसी भी ट्वीट को अपने टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उस ट्वीट को देख सकते हैं। रीट्वीट ये ऑप्शन हर एक ट्वीट के नीचे होता है। टाइमलाइन पे हर एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई और रीट्वीट के साथ एक और ऑप्शन है फेवरेट। फेवरेट ट्विटर की एक बुकमार्क फंक्शनैलिटी है। आपको जो भी ट्वीट्स अच्छी लगती है आप उन्हें फेवरेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट ट्वीट्स एक्सेस करने के लिए टॉप नेविगेशन के मी में जाके फेवरेट्स पे क्लिक करके आप उन्हें दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। ट्विटर की और एक बढ़िया फंक्शनैलिटी है सर्च। सर्च बार आपको ट्विटर के टॉप नेविगेशन में मिलेगा। सर्च आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं टाइप यहाँ पे करता हूँ शाहरुख खान। जो ब्लू साइन आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट वेरीफाइड है, जिसका मतलब ये अकाउंट जेन्युइन है। तो मैं शाहरुख खान के अकाउंट पे जाता हूँ और उन्हें फॉलो करता हूँ। व्यक्ति के अलावा मैं दूसरे सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे कि वेदर। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मुंबई वेदर, तो मुंबई वेदर से रिलेटेड जितने भी ट्वीट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे मेरे टाइमलाइन पे। इतना ही नहीं, अगर मुझे क्रिकेट स्कोर भी सर्च करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं टाइप करता हूँ क्रिकेट स्कोर और क्रिकेट स्कोर से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट ट्वीट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे मेरे टाइमलाइन पे। आइए जानते हैं हैशटैग्स के बारे में। आखिर ये हैशटैग्स होते क्या है? हैशटैग ट्विटर का वो टूल है जिसमें हैश साइन यूज करके आप किसी भी कीवर्ड को एक रिलेवेंसी देते हैं, उसे बेटर सर्चेबल और क्लिकेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज सीरीज से रिलेटेड अगर मैं क्रिकेट ट्वीट करता हूँ तो उसमें मैं हैशटैग इस्तेमाल करता हूँ #IND vs WI। अब #IND vs WI ये एक हैशटैग बन चुका है और जैसे ही मैं इस हैशटैग पे क्लिक करता हूँ तो जिस किसी ने भी इस हैशटैग को इस्तेमाल करके ट्वीट्स लिखे हैं वो सारे डिस्प्ले होते हैं मेरे टाइमलाइन पे। हैशटैग इस्तेमाल करते हुए आप किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को टैग भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बार ना तो सिर्फ हम हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे बल्कि हम किसी को टैग भी करेंगे। तो मेरा ट्वीट है love@ritik। ऋतिक के इस ट्विटर हैंडल के आगे ब्लू साइन है जिसका मतलब कि ये एक वेरीफाइड अकाउंट है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ #LoveRitik's Performance in #Krish3। अब #Krish3 ये एक हैशटैग बन चुका है। आइए जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में कि आखिर ये होते क्या है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपके टाइमलाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्प्ले होते हैं। ये रीजन वाइज डिस्प्ले किए जाते हैं। ये हैशटैग भी हो सकते हैं या फिर मोस्ट टॉप टॉपिक्स या कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स से आपको ये पता चलता है कि उस रीजन में उस वक्त पे वहाँ के लोग किस विषय पे सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक क्लिकेबल है और जैसे ही आप किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो उससे जुड़े सारे ट्वीट्स आपके टाइमलाइन पे डिस्प्ले होते हैं। अब होपफुली ट्विटर आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, तो किस बात की राह देख रहे हैं? अभी जाइए ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाइए और ट्वीट शुरू कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें लिखिए, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।